अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो स्पंज केक। उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं आपके सामने। 6 eggs, 1 tablespoon बेकिंग पाउडर, 1 cup एंड 4 tablespoon मैदा, 1 cup शुगर, येलो फूड कलर है मेरे पास, मैंगो फ्लेवर है यहाँ मेरे पास, ऑयल लिया है ये मैं 4 tablespoon यूज़ करूँगी, व्हिपिंग क्रीम है और मॉल्ट लिया है जिसको मैंने पहले ही ग्रीस करके पेपर लगा कर रख दिया है। तो चलिए इसका मेथड स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। बीट करते हुए इसमें थोड़ी थोड़ी हम शुगर ऐड करते रहेंगे और एग को इतना बीट करना है कि ये फ्लफी हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसमें सारी शुगर ऐड कर दी है और इसको इतना बीट करेंगे कि इसका वॉल्यूम ट्रिपल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एग्स और शुगर को मैंने इतना बीट किया है कि इसका वॉल्यूम ट्रिपल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 tablespoon ऑयल और इसको दोबारा से बीट कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो एसेंस। आप देख सकते हैं कि ये मैंने 1/2 teaspoon ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर, ये भी 1/2 teaspoon इसमें गया है और अब मैं इसको दोबारा से बीट कर लूँगी। व्यूअर्स, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैदा जिसको मैंने स्ट्रेनर की मदद से 3 दफ़ा छान लिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम मिक्सिंग करेंगे। इसको बिल्कुल ही हल्के हाथ से आपने एग फॉर्म में फोल्ड कर लेना है। इसको इतने प्यार से आपने फोल्ड करना है इसमें कि इसके जो एग के जागनुमा फॉर्म आई हुई है इसको बैठना नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करके सारा मैदा इसमें ऐड कर दिया है एग्स में और अब इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इस बैटर को अपने इस मोल्ट में डाल लूँगी बहुत ही आहिस्तगी से, जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ था। मोल्ट में मैं सारा मिक्सचर डाल चुकी हूँ। व्यूअर्स, हम ओवन के बगैर केक तैयार कर रहे हैं। पतीले को हमने ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया है, उसको प्री हीट कर लेना है। उसको हाफ स्लो आंच पर पहले से ही 15 मिनट के लिए आप प्री हीट कर लेंगे और अब हम इसे रखने जा रहे हैं पतीली में जिसको हमने प्री हीट किया हुआ है। पतीली में रखने से पहले आप इसको इस तरह से 2 से 3 दफ़ा शेल्फ पर टैप करेंगे ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो ऊपर आ जाएं और इसमें बबल्स ना बने। पतीले में ऑलरेडी मैंने नीचे स्टैंड रख लिया है ताकि ये नीचे से बहुत ज़्यादा केक जले ना और अब मैं इसमें रखने जा रही हूँ अपना केक का मोल्ड। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए इसमें बेक होने के लिए रख दूँगी। आ
आधे घंटे के बाद मैं इसको पतीली से बाहर निकाल चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा केक बेक हुआ है। तो रेसिपी को लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे मज़ीद और न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।